हाय एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं शेयर कर रही हूँ जेंट्स का एल साइज का स्वेटर। तो जेंट्स का एल साइज का स्वेटर कैसे बनता है वो बताने जा रही हूँ। नॉर्मल वाली वूल ली है, तो इसमें मैंने जो बॉर्डर पे फंदे डाले हैं वो 110 फंदे हैं और एक सीधे एक उल्टे का बॉर्डर बना लिया है। ये वाला जो पार्ट है ये फ्रंट पार्ट है और ये बैक का है, तो बैग में भी उतना ही डाला है बॉर्डर पे। बैग पे भी बॉर्डर पे 110 फंदे डाले हैं और इस तरह से एक सीधे और एक उल्टे का बॉर्डर बना लिया है। एक सीधा और एक उल्टा, एक सीधा और एक उल्टा, इस तरह से 11 नंबर की सिलाई से मैंने इसका बॉर्डर बनाया है और ऊपर जो है वो 10 नंबर की सिलाई यूज़ की है। तो इसी तरह से इसका बॉर्डर बना लेंगे, एक सीधा और एक उल्टे का। उसके बाद जो भी आप डिज़ाइन डालना चाहें डाल सकते हैं, मैंने ये वाला डिज़ाइन डाला है। उसके बाद बॉर्डर बनाने के बाद 3 इंच का ये बॉर्डर है, इसको बनाने के बाद यहाँ पे 120 फंदे कर लिए हैं, 10 फंदे यहाँ पे बढ़ाए हैं और इनको 120 कर लिया है टोटल। उसके बाद ये वाला डिज़ाइन डाला है, फिर यहाँ तक आर्म होल तक इसको 20 से 22 इंच बना लेंगे, फिर इसकी आर्म होल की कटिंग करेंगे। तो अभी ये वाला डिज़ाइन बताने जा रही हूँ कि ये मैंने कैसे बनाया है। तो देखिए, ये 12-12 फंदों का डिज़ाइन है, 12 फंदों का मल्टीप्लाई करके आप फंदे ले लीजिए, उसके बाद ये डिज़ाइन कंप्लीट हो जाएगा। प्लस 4, 12-12 फंदे प्लस 4। तो देखिए कैसे बनता है ये। इस पर मैंने सैम्पल के लिए कुछ फंदे डाले हैं, उसी में बताऊंगी कि कैसे बनता है। जब आप बॉर्डर पे यहाँ पे फंदे बढ़ा लेंगे बॉर्डर बनाने के बाद, उसके बाद आपको कैसे शुरू करना है। एक फंदा उतारा, धागा आगे किया और अब 4 फंदे उल्टे, 1, 2, 3 और ये 4, 4 फंदे उल्टे, फिर 8 फंदे सीधे, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 और ये 8, 8 फंदे सीधे, फिर 4 फंदे उल्टे। तो पूरी लाइन ये ऐसी होगी, 4 फंदे उल्टे और 8 फंदे सीधे, 4 फिर 8 फंदे सीधे, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 और ये 8, फिर लास्ट में 1, 2, 3 और ये 4। तो लास्ट में मेरे पास 4 फंदे उल्टे आ गए हैं। अब देखिए सेकंड लाइन उल्टी साइड कैसे करेंगे इसको। उल्टी साइड में फिर से जो सीधा दिख रहा है 1, 2, 3 और ये 4 फंदे सीधे दिख रहे हैं, इनको सीधा बना लेंगे धागा अपनी तरफ करके, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 और 8 फंदे उल्टे बना लेंगे। तो उल्टी वाली ये वाली लाइन पूरी ऐसी होगी, 4 फंदे सीधे और 8 फंदे उल्टे, 4 फंदे सीधे, फिर 1, 4 फंदे, 1, 2, 3, 4, 4 फंदे सीधे आ गए, ये लास्ट का फंदा। तो ये वाली लाइन ऐसी होगी। अब फिर तीसरी लाइन में एक फंदा उतारा, अब 1, 2 और 3 फंदे सीधे बनेंगे। एक फंदा उतार के 3 फंदे सीधे बना लिए। अब इन जो ये वाला फंदा है इसको पहले बनाना है, जो ये वाला फंदा है इसको पहले बनाना है। तो इसको इस तरह से सिलाई पे लेंगे और इसको ऐसे बना लेंगे।
ये वाला बनाया, अब पहले वाले को इस तरह से बना लेंगे। तो जो पीछे वाला फंदा है वो हमने पहले बनाया, तो इसलिए उसको पहले हमने सिलाई पे लिया। अब 2, 3, 4, 5 और 6 फंदे सीधे। फिर यहाँ पे जो ये उल्टा फंदा है ये पहले बनेगा, तो ये पीछे से लेंगे उल्टा फंदा इस तरह से सिलाई पे, फिर इस पे धागा लपेटा, इसको इस तरह से बनाया, फिर पहले वाला फंदा बना लिया। तो यहाँ पे ये ट्विस्ट हो गया। अब 1, 2 फंदे सीधे, 2 फंदे सीधे आ गए। फिर इस वाली लाइन में ये ध्यान रखिएगा कि इसमें कोई उल्टा फंदा नहीं आ रहा है, इसमें सारे फंदे सीधे आ रहे हैं। तो इस उल्टे से पहले हमें ये सीधा बनाना है, तो पहले हम इसको सिलाई पे लेंगे इस तरह से। अब ये उल्टा वाला इस तरह से बना लेंगे, फिर 1, 2, 3, 4, 5, 6 फंदे सीधे आ गए। अब फिर से इस सीधे से पहले ये उल्टा बनेगा, तो इसलिए इसको पीछे से लेंगे इस तरह से, ऐसे धागा लपेटा, और अब इसको भी बना लिया। और ये 1, 2, 3 फंदे सीधे आ गए, ये वाली लाइन कंप्लीट हो गई। अब इसमें जो पीछे वाली लाइन है वो सारी उल्टी आएगी, इसमें सारे फंदे उल्टे आएंगे इस तरह से, सारे फंदे उल्टे ही बनाएंगे, इसमें कोई सीधा फंदा नहीं है। तो ये 4 सिलाई कंप्लीट हो गई हैं। आप देखिए 5वीं सिलाई में कैसे करेंगे। फिर से एक फंदा उतारा। अब 1, 2, 3, 4 और ये 5 फंदे उल्टे आ गए। 5 फंदे उल्टे आए, फिर धागा पीछे किया, 1, 2, 3, 4, 5, 6 फंदे सीधे आ गए। फिर धागा अपनी तरफ किया, 1, 2, 3, 4, 5, 6 अब 6 फंदे उल्टे आ गए। पहले यहाँ पे 5 फंदे उल्टे आए, फिर 6 फंदे सीधे, अब 6 फंदे उल्टे, फिर धागा पीछे किया, 1, 2, 3, 4, 5 और ये 6 फंदे सीधे, फिर 1, 2, 3, 4, 5 फंदे उल्टे। आप देखिए 6वीं लाइन, एक दो तीन चार और ये 5 फंदे सीधे आ गए। फिर धागा अपनी तरफ, 1, 2, 3, 4, 5, 6 फंदे उल्टे, फिर धागा पीछे, 1, 2, 3, 4, 5, 6 तो इस वाली लाइन में भी जो जहाँ पे जैसा दिख रहा है वैसे ही बनेगा। फिर जो ये उल्टे दिख रहे हैं 6 फंदे, तो ये उल्टे बनेंगे, जो सीधा दिख रहा है वो सीधा बनेगा। तो इस तरह से बनाएंगे, फिर 1 2
चार पाँच, ये लास्ट का फंदा। तो ये देखिए छह लाइन कंप्लीट हो गई हैं। अब देखिए इसको सातवीं लाइन से कैसे करना है। एक फंदा उतारा, फिर एक दो तीन चार फंदे सीधे। अब इस वाले जो ये सीधा फंदा है इसको पहले उल्टे से पहले बनाना है। तो यहाँ पे पहले इसको लेंगे और इसको बना लेंगे, फिर अब ये उल्टा वाला फंदा भी बनाएंगे और इसको ऐसे। तो इनको ट्विस्ट करना है, उतार के भी कर सकते हैं और ऐसे भी कर सकते हैं। अब एक दो तीन और ये चार फंदे सीधे। अब यहाँ पे पहले ये उल्टा वाला बनाना है, इस सीधे से पहले उल्टा वाला आएगा तो इसको पीछे से लेना है इस तरह से और इसको बना लेंगे और ये सीधा वाला बाद में बनाएंगे। तो ये इस तरह से ट्विस्ट हो गया। अब एक दो तीन और चार फंदे सीधे, फिर ये सीधा पहले बनाना है तो पहले इसको इस तरह से बनाएंगे, फिर ये उल्टा बनाना है तो इसको इस तरह से सीधा बनाएंगे। तो ये फिर से ट्विस्ट हो गया। तो एक दो तीन चार फंदे सीधे, फिर से ये उल्टा वाला जो है वो पहले बनेगा। तो पहले पीछे से लेंगे इसको, धागा लपेटा, एक फंदा ऐसे बनाया और आप इसको इस तरह से एक दो तीन चार फंदे सीधे। अब देखिए आठवीं लाइन, फिर वही जो जहाँ पे जैसा दिख रहा है वैसे ही बनाना है। तो आठवीं लाइन जो है वो पूरी उल्टी आएगी, यहाँ पे कोई सीधा फंदा नहीं है तो ये सारी उल्टी ही आएगी लाइन। इस तरह से सारे फंदे उल्टे बना लेंगे। बहुत इजी डिजाइन है, बहुत मुश्किल नहीं है, बस थोड़ी सी इसमें याद रखना पड़ता है कि कहाँ पे कैसा बनाना है। और अब देखिए यहां से एक फंदा उतारा, धागा अपनी तरफ किया। अब एक दो तीन चार पाँच और छः, छः फंदे उल्टे। जो हमने ट्विस्ट किए थे वो फंदे भी हमें इस साइड में उल्टे लेना है, ये ध्यान रखिए। फिर धागा पीछे, एक दो तीन और ये चार फंदे सीधे। फिर धागा अपनी तरफ, एक, ये हमने उस साइड ट्विस्ट किए थे तो इसलिए हम इनको इधर उल्टा बना रहे हैं। दो तीन चार पाँच छः सात और ये आठ फंदे यहाँ पे उल्टे आ गए। फिर धागा पीछे, एक दो तीन और ये चार फंदे सीधे। फिर धागा अपनी तरफ, अब ये सारे फंदे उल्टे, एक दो तीन चार पाँच और ये छः। अब देखिए नेक्स्ट लाइन, जो जहाँ पे जैसा दिख रहा है वैसे ही बनाना है। इस वाली लाइन को करने के बाद उल्टी लाइन में वही करना है जो जहाँ पे जैसा दिख रहा है। ये सीधा दिख रहा है, एक दो तीन चार पाँच और छः।
छह फंदे सीधे दिख रहे थे, सीधे बना लिए, अब ये उल्टे, एक दो तीन चार, चार फंदे सीधे, चार फंदे उल्टे दिख रहे थे, उल्टे बना लिए, अब ये सीधे दिख रहे हैं, एक दो तीन चार पांच छः सात और आठ, आठ फंदे सीधे, फिर एक दो तीन चार, चार फंदे सीधे, फिर एक दो तीन चार पांच और ये छह फंदे सीधे, फिर अपनी तरफ और ये लास्ट का फंदा। तो जब भी हम ये वाली लाइन करते हैं उसके बाद हमें पीछे वाली लाइन भी वैसी करनी है, उसी से इस डिजाइन का लुक अच्छा आएगा। तो अब देखते हैं नेक्स्ट लाइन में। एक फंदा उतारा, अब एक दो तीन चार पांच, पांच फंदे सीधे बना लिए, अब यहाँ पे ये वाला जो सीधा फंदा है वो उल्टे से पहले बनेगा, तो पहले ये वाला सीधा बनेगा, तो इसको सिलाई पे लेंगे, इस तरह से धागा लपेटेंगे और इस तरह से निकालेंगे, फिर ये वाला बनेगा, तो इस तरह से ये वाला ट्विस्ट कर लिया। अब एक दो, दो फंदे सीधे, अब यहाँ पे पहले उल्टा वाला फंदा बनाना है सीधे से पहले, तो इसको पीछे से इस तरह से बैक साइड से इसकी निडिल डाल के और इसको पहले उसको पीछे वाले को बनाएंगे, फिर पहले वाले को बना के इन दोनों को ऐसे छोड़ देंगे। अब एक दो तीन चार पांच और ये छः, छः फंदे सीधे हो गए। अब पहले ये सीधा वाला फंदा बनेगा, तो इसको पहले इस तरह से लेना है सिलाई पे और इसको ऐसे बनाया, फिर इस उल्टे वाले में डाला निडिल, फिर इसको भी बना दिया। अब दो फंदे, एक दो, दो फंदे सीधे, धागा पीछे, फिर से ये वाला जो है वो पहले बनेगा, तो इसको इस तरह से बनाएंगे पीछे से और ये बाद में बनाएंगे, तो ये इस तरह से बनेगा, एक दो तीन चार पांच। तो इस पूरी लाइन में हमने सारे फंदे सीधे बनाए हैं, इसमें कोई उल्टा नहीं आया, तो इसकी जो पीछे वाली रो है उसमें हम सारे फंदे उल्टे बनाएंगे, क्योंकि इसमें सीधा सीधा बनेगा ये, उल्टा ही, एक इस तरह से। ये सारी लाइन उल्टी आएगी। इस तरह से सारे फंदों को उल्टा बनाएंगे। तो ये वाली उल्टी लाइन पूरी ऐसी उल्टी बनेगी, ये सारे फंदे ऐसे उल्टे बना लेंगे। तो डिज़ाइन ये शुरू हो गया है, यहाँ पे दिखने लगा है। आप देखिए ये इस वाली लाइन से कैसे करना है। एक फंदा उतारा, धागा अपनी तरफ, एक दो तीन चार पांच छः और अब ये सात फंदे उल्टे आ गए। धागा पीछे किया, एक दो फंदे सीधे, दो फंदे सीधे कर लिए, फिर धागा आगे, एक दो तीन
चार, पांच, छः, सात, आठ, नौ और ये दस। अब ये दस फंदे यहाँ पे उल्टे आ गए, फिर दो फंदे सीधे, एक और दो। और आपको इस डिजाइन को ऐसे ही कंटिन्यू करना है। मेरा यहाँ पे ये खत्म हो जा रहा है तो इसलिए यहाँ पे कम फंदे आ रहे हैं, लेकिन पूरे में यहाँ पे बीच में दस फंदे उल्टे आएंगे और दो फंदे सीधे आएंगे। तो फिर से धागा अपनी तरफ करेंगे, आप ये सारे फंदे एक दो तीन चार पाँच छ और ये सात, ये उल्टे आ गए। अब पीछे वाली लाइन वही जहां पे जो दिख रहा है, सीधे के ऊपर सीधा और उल्टे के ऊपर उल्टा। तो ये सीधे दिख रहे हैं, तीन चार पाँच छ और ये सात, सात फंदे सीधे। फिर ये जो हमने उधर उल्टे बनाए थे, उधर सीधे बनाए थे दो फंदे, वो यहाँ पे उल्टे आ गए। फिर से अब ये दस फंदे सीधे, एक दो तीन चार पाँच छ सात आठ नौ और ये दस, दस फंदे सीधे आ गए। फिर धागा अपनी तरफ और ये दो फंदे उल्टे, फिर धागा पीछे, एक दो तीन चार पाँच छः और सात फंदे सीधे और ये लास्ट का फंदा। तो जो उल्टी लाइन है उसमें जो जैसा दिख रहा है वैसे ही करना है। अब देखिए नेक्स्ट लाइन में, नेक्स्ट लाइन में एक फंदा उतारा, एक दो तीन चार पाँच और ये छह फंदे सीधे आ गए। अब पहले हमें ये सीधा वाला बनाना है, उल्टे से पहले वही ट्विस्ट करना है, उल्टे से पहले ये सीधा वाला बनाना है। तो इन दोनों फंदों को हमें ट्विस्ट करना है, पहले पीछे वाला बनेगा, पहले ये वाला बनेगा फिर ये वाला। तो आप इनको इस तरह से कर सकते हैं, ये वाला फंदा इस पे उतार लीजिए और जो फंदा है पीछे आगे वाला इसको इस तरह से ले लीजिए, तो ये ट्विस्ट हो गया। अब इसको उतार के ऐसे और ये ट्विस्ट हो गए। फिर जो यहाँ पे दिख रहा है तो पहले उल्टा वाला बनाना है, तो इसको पीछे से लेंगे इस तरह से, इसको बनाएंगे, फिर पहले वाला इस तरह से, तो ये ट्विस्ट हो गए। अब एक दो तीन चार पाँच छः फंदे, सात और ये यहाँ पे आठ फंदे अब सीधे आएंगे। तो आठ फंदे सीधे आ गए, पहले ये वाला बनाना है सीधा वाला, ये वाला पहले बनेगा। तो हम इसको इस तरह से सिलाई पे लेंगे और ये बना लेंगे इसको, फिर पहले वाला बना लेंगे, तो ये ट्विस्ट हो गए। अब इस वाले सीधे से पहले ये उल्टा बनेगा, ये उल्टा पहले बनेगा, तो इसको पीछे से बनाएंगे इस तरह से, ऐसे बना के। अब पहले ये, फिर ये बना के, और अब सारे फंदे सीधे, एक दो तीन चार पाँच और ये छः। पीछे की सारी लाइन उल्टी, क्योंकि सारे फंदे हमने अभी सीधे बनाए, तो ये पीछे की जो लाइन है वो सारी उल्टी ही आएगी, सारे फंदे हम इसमें उल्टे बना के। तो इस तरह से इसको उल्टा बना लेंगे।
तो ये वाली जो है सारी लाइन इस तरह से उल्टी आ गई और ये डिज़ाइन कंप्लीट हो गया। तो इसी तरह से इन्हीं सारी लाइंस को रिपीट करते हुए जाना है, यहाँ से लेके यहाँ तक 15 या 16 लाइंस हैं, इन्हीं को रिपीट करना है और ये डिज़ाइन कंप्लीट हो जाएगा इस तरह से। लेकिन अब जो ये हमने यहाँ पे बनाया था, अब ये यहाँ पे आएगा, एक बार यहाँ पे आएगा, एक बार यहाँ पे आएगा, तो उसको कैसे कंटिन्यू करना है वो मैं एक बार बता देती हूँ। इसको इसके बाद कैसे कंटिन्यू करना है कि ये वाला जो है अब यहाँ पे आएगा और फिर यहाँ पे, तो इसी तरह से इसको जो है यहाँ से यहाँ तक कंटिन्यू करना है, फिर यहाँ से इसको चेंज करना है एक बार, फिर इसको इसी को रिपीट करना है। तो यहाँ से कैसे कंटिन्यू करेंगे, इसमें दिख रहा है कि ये वाला जो है एक बार इधर आया है और एक बार इधर आया है, फिर एक बार ये इधर आया है, एक बार इधर आया है, तो ये बार बार अल्टरनेट में आया है इधर से इधर। तो उसको कैसे कंटिन्यू करना है वो मैं बताती हूँ। एक फंदा उतारा और अब 1, 2, 3, चार, पांच और ये 6। छह फंदे सीधे आ गए, धागा अपनी तरफ किया, 4 फंदे उल्टे, 1, 2, 3 और ये 4। तो पहले हमने ये वाले 4 फंदे इधर किए थे, अब हम ये वाले 4 फंदे इधर कर रहे हैं बीच में, और अब सीधे फंदे यहाँ पे आएंगे। तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 और ये 8। तो ये जो 8 यहाँ पे सीधे फंदे आए थे वो अब यहाँ पे आ गए हैं, तो ये वाला जो डिजाइन है वो यहाँ पे बनेगा। अब धागा अपनी तरफ करके 1, 2, 3 और ये 4। 4 फंदे फिर उल्टे आ गए, फिर धागा पीछे किया और ये सारे फंदे सीधे। उल्टी साइड में जो जैसा दिख रहा है वैसे बनेगा। 1, 2, 3, 4, 5 और ये 6 फंदे उल्टे, फिर 1, 2, 3 और ये 4 फंदे सीधे, फिर धागा अपनी तरफ 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 और ये 8 फंदे यहाँ पे उल्टे आ गए। जो जैसा दिख रहा है, सीधे के ऊपर सीधा और उल्टे के ऊपर उल्टा, 4 फंदे सीधे और ये सारे फंदे उल्टे। तो अब ये इसी तरह से कंटिन्यू होगा, जो हम यहाँ पे बना रहे थे अब वो हम यहाँ पे बनाएंगे। तो अब देखिए नेक्स्ट लाइन में, तीसरी लाइन में फंदा उतारा, अब 1, 2, 3, 4, 5 और ये 5 फंदे सीधे आ गए। अब पहले हमें ये उल्टा वाला बनाना है इस सीधे से पहले, तो धागा पीछे रहने देंगे, ये वाला जो है इस तरह से लेंगे सिलाई पे, धागा लपेटेंगे, इसको बनाएंगे, फिर पहले वाला इस तरह से बना लेंगे। अब 1, 2, 2 फंदे फिर सीधे आ गए। अब इस उल्टे से पहले ये सीधा बनाना है, तो इसको इस तरह से लेंगे, बना लेंगे, ये वाला भी बनाएंगे और इसको ट्विस्ट कर लिया। अब तो इससे थोड़ा समझ आ रहा होगा कि जो हम पहले यहाँ पे कर रहे थे अब वो हम इधर को कर रहे हैं, इन फंदों को हम इधर इधर खिसकाते जा रहे हैं। तो देखिए 1, 3, 4, 5 और
छह फंदे यहाँ पे सीधे आ गए। अब फिर से इस उल्टे को हमें इस सीधे से पहले बनाना है, तो इसको पीछे से इस तरह से पकड़ेंगे, इस तरह से निकालेंगे इसको, इसमें भी डिटेल डालेंगे और ये बना लेंगे। तो ये ट्विस्ट कर लिया, अब ये सारे फंदे सीधे, तो दो फंदे फिर सीधे आ गए यहाँ पे ट्विस्ट किया, अब दो फंदे सीधे। फिर से हमें ये सीधा वाला पहले बनाना है उल्टे से, तो इसको फिर से इस तरह से करेंगे, धागा लपेटेंगे और ये अब ये फंदे सीधे, तीन चार और ये पांच, उल्टी लाइन में सारे फंदे उल्टे। तो ये अब इसको इसी तरह से कंटिन्यू करते जाना है, जो हमने यहाँ पे इनको कम कम करते गए, यहाँ से लेके नीचे से पहले ये ज़्यादा थे, आठ फंदे थे, फिर छः हुए, फिर चार हुए, फिर दो हुए, तो इसी तरह से अब यहाँ पे करना है। अभी ये छः हैं, अब ये चार हो जाएंगे, और एक बार वो लाइन ज़रूर करनी है उल्टे और सीधे वाली, तो ये इसी तरह से कंटिन्यू हो जाएगा पूरा डिज़ाइन। एक बार इसको एक लाइन और करके दिखा देती हूँ, एक फंदा उतारा, एक दो तीन चार पांच फंदे सीधे आ गए, धागा अपनी तरफ किया। अब जो हमने उस टाइम दो फंदे ये ट्विस्ट किए थे, इनको भी हमें उल्टा बनाना है, एक और ये दो उल्टे आ गए, तीन चार पांच और ये छः, छः फंदे अब उल्टे आ रहे हैं। फिर धागा पीछे किया, एक दो तीन चार पांच और ये छः फंदे सीधे, अब धागा अपनी तरफ, एक दो तीन चार पांच और ये छः, छः फंदे उल्टे, अब ये सारे फंदे सीधे। अब जो इसके पीछे वाली लाइन आएगी उस पे जो जैसा दिख रहा है वैसी बनाएंगे, और इन फंदों को ये इधर इधर खिसकते जाएंगे, तो यहाँ पे ये इस तरह का डिजाइन बन जाएगा, और इसी तरह से ये पूरा कंटिन्यू होता जाएगा जैसे इस वाले पार्ट में हो रहा है इस तरह से। तो इस तरह से ये दिखेगा डिज़ाइन। तो ये मैंने आज सिर्फ डिज़ाइन का जो है वो वीडियो बनाया, क्योंकि डिज़ाइन थोड़ा सा लंबा था ये, तो ये सिर्फ डिज़ाइन का था आज का वीडियो। बाकी जो नेक्स्ट इसका कैसे बनाना है इसके ऊपर, वो मैं नेक्स्ट वीडियो में डालूंगी। तो वीडियो अगर हेल्पफुल लगा होगा तो लाइक ज़रूर कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए, और बेल आइकन को क्लिक करना बिल्कुल मत भूले मेरे लेटेस्ट वीडियो के नोटिफिकेशन के लिए, और कमेंट करके बताइए कि आपको ये डिज़ाइन कैसा लगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।